बैक टू माय चैनल बुआ का नटखट लड्डू। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। यहाँ पे लड्डू और जोजो बहुत अच्छे। ये देखो गाइस, गुड मॉर्निंग जोजो, गुड मॉर्निंग। और देखिए गाइस, अभी से ठंडा मौसम आ चुका है। आज तो कोहरा आ गया था बहुत तेज, जब जोजो को मॉर्निंग वॉक ले गए थे घुमाने तभी कोहरा आ चुका था। और देखिए कितना कोहरा अभी भी छाया हुआ है। और अब लगता है ठंड आ चुकी है, एहसास होने लगा है बहुत ठंड पड़ने वाली है। मौसम आप लोगों को दिखाती हूँ, बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका है। गाइस कोहरा, कोहरा कैसा लगा हुआ है, कोहरा लगा हुआ है, आपको साफ पता चल रहा होगा। ऊपर देखिए कोहरा लगा है, सब कोहरा ही कोहरा लगा है बिल्कुल। और यहाँ पे दीदी पेड़ लगा रही हैं और मौसी जी ने कुछ पेड़ दिए हैं, छोटी मौसी जी ने, मौसा जी ने बहुत अच्छे प्लांट पॉली बैग में लगा दिए थे इसको ग्रो करने के लिए। ये देखिए ये पेड़ दिए हैं, ये पान का पत्ता है जिसमें पूजा में भी यूज होता है। हमेशा हम लोग खरीद के लेके आते थे किसी भी त्यौहार या पूजा पाठ में, हमेशा पान का पत्ते का यूज़ होता है। और वैसे तो आपको पता ही है कि पान खाते भी हैं और इसकी पूजा भी होती है। और ये इसका नाम मुझे नहीं आ रहा, भूल चुकी हूँ क्या बोलते हैं इसको। अरे अभी मैं दीदी से पूछ के बताती हूँ। तो ये पॉली वर्क में कितने अच्छे से ग्रो करके मौसा जी ने दिया है। और ये देखिए मेरा पान का पत्ता भी, काफ़ी टाइम से बोल रही थी दीदी की मुझे लगाना है, लगाना है। शायद शम्मी का पौधा बोलते हैं आई थिंक, या शम्मी या कुछ ऐसा ही है। ये बहुत शैतानी करता है सुबह सुबह। दीदी मिला के लगाएंगे इन पौधों को, खाद लगा रही हैं। ये बहुत शैतान कर रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है इससे सुबह से। ये बहुत ही शैतानी कर रहा है, बहुत ज़्यादा शैतानी कर रहा है। इसके अंडे वगैरह, अभी नवरात्रि आ रही, 9 दिन तक ये गोल रहेगा, व्रत रखेगा। ये हड्डी चबा चबा के इसकी वो हो रही है ना, भाभी है पास में वो इसकी दावत करती रहती हैं। वीक में भैया आते हैं मुरादाबाद से, तो वो नॉन वेज खाते हैं, तो हमेशा जो जो के लिए दे के जाते हैं। वीक में इसकी पार्टी ज़रूर होनी, संडे का दिन तो पक्का है ही, लेकिन नवरात्रि में 9 दिन तक नहीं वो होगा, तो इसका व्रत रहेगा 9 दिनों तक। और ये देखो इतना शैतानी कर रहा है, कभी हमें चप्पल ले जा रहा है, कभी हमें मेरे ऊपर चढ़ रहा है। और अभी तो दीदी डाल रही है खाद, गमलों में मिला रही है पॉली बैग में अच्छे से, और फिर लगाएंगी पौधों को। और ये देखिए इन पौधों को, पान की बेल को अच्छे से लगाएंगे और गमलों में खाद लेके जा रही हैं, ऊपरी साइड लगाएं। देखिए बहुत अच्छे प्लांट हैं, एक बार पहले भी लगाया था, कीड़े खा गए थे उसे। अब देखते हैं सक्सेसफुल कर पाती है कि नहीं कर पाती है। और आप देखिए 3 तारीख को नवरात्रि भी आ गई, कल लास्ट श्राद्ध है, पूर्णमासी का लास्ट श्राद्ध है। और फिर तो यही वाली अरबी मम्मा वो गला पकड़ती है, ये वाला पत्ता, यही वाला पत्ता पकड़ता है, एक अलग सा है पत्ता। ये भैया है तो उसका पत्ता कैसा एक है, सब तरह की हो। ये दो हैं अलग अलग हैं, देखो वो वाला अलग है, वो अलग अलग है, ये वाला ही पकड़ता। देखो दीदी जा रही है ऊपर अपने पौधे लगाने, अब हम भी देख के आते हैं, ऊपर जाके देखते हैं क्या क्या लगाने वाली है। ये तो गाइस हम लोग आ गए हैं ऊपर, कितना प्यार प्यार। ये मेहंदी का पेड़ है दीदी, बालों में भी लगा सकते हैं और हाथ में। हाँ हाँ सौरभ, जैसे कि मम्मी ने भी बताया था, ये मेहंदी का हाथ में भी लगा के दिखाया था, रेड पूरा। ये तो गुलदावरी का पेड़ है, इसको वो लोग मेहंदी बोलते हैं। इसको मेहंदी भी शायद बोलते हैं। तो ये कहाँ से लेके आई थी,
मैं लेके थोड़ी आई थी ये। देखो गाइस ऐसी हालत हो रही है पौधों की, गमले चेंज करने हैं। चेंज करने जैसे टूट गए गमले, उसमें मिर्ची आ रही है, चेंज कर दोगे? लाओ भाई कटर, कहाँ है कटर? देना कटर से काटना शुरू कर। नहीं जो सब गमले टूट गए थे तो मस्ती के मार सब गमला टूट गया, एक हाथ गमला ला कैसे कह रही थी, गमले टूट गए हम चारे लगी रहती है। देखो दीदी का लग चुका है, अभी हम गमला नहीं ला पाए हैं तो हमने कहा अच्छे से ये ग्रो हो जाएगा फिर हम गमले में लगा देंगे, इसको शिफ्ट कर देंगे। और अभी ये बेल लगा दी है दीदी ने, ये देखो यहाँ पे हम लोग कटिंग कर रहे हैं पौधों की। ये इतना सारा जंगल निकला है घास फूस, और दीदी लगा रही है ये पान के पत्ते की बेल। ये देखो मौसा जी लेके आए थे, अच्छा होता है लगाना घर में, पूजा पाठ में भी काम आता है, बहुत अच्छा सुख भी होता है लगाना। लाने की देखो मिली दीदी की बहुत दिन से तमन्ना थी, जाएंगे मार्केट तो एक सन पौधा लेके आएंगे। और ये अपराजिता गाइस आप कह रहे थे, ने दिया है ये अपराजिता के दो प्लांट है जिसकी पूजा होती है। अपराजिता के फूल के शिव जी को बहुत पसंद थे अपराजिता के फूल। और यहाँ पे तो दीदी लग चुका है पौधा, दिखाओ कैसा लगा है, अच्छे से ग्रो करना, ये नहीं अभी से तोड़ना स्टार्ट कर दो, जब तक ये बहुत बड़ी बेल नहीं हो जाती तब तक इसमें से एक पत्ता भी नहीं टूटना चाहिए, ये नहीं अभी से स्टार्ट कर दो तोड़ना, जब पानी खाए मैं दूंगी पड़ता कुछ करने के लिए। फिर तुमने इतना, तुम्हारी तो आदत ही है, इतना तुमने मिट्टी डाल दी है, ठूस दिया जैसे कभी निकालोगे भी नहीं, शिफ्ट नहीं करोगे, नहीं हो जाएगा, गमला लाओगे, गमला लाओगे तो शिफ्ट करोगे बोल रहे थे आप। ये किस में अपराजिता लगा देते हैं, मैं बेल चढ़ेगी ऐसे, इतना हैवी वजन है कि उठने में भी इसको दिक्कत हो रही है, और छोटी सी छोटी जगह में नहीं आ सकती है, बहुत कंजस्टेड जगह हो जाती है इसके लिए, तो इसके लिए तो पूरा ट्रक चाहिए बैठने के लिए, तेरे लिए चाहिए ट्रक, उठ ही नहीं पा रही है, कुठिया जैसी, जैसे धान की ड्रम नहीं होते हैं वैसे, मान दो इसको चढ़ा दो, अब मैं नहीं लेके आऊंगी, पहले से क्या कर रहे थे लेके आना खुद, सारे में गंदगी कर रखी है ये चाक, सारे में गंदगी हो चुकी है पूरे, बहुत ही कबूतर वगैरह भी करते हैं। ये देखिए गाइस अनन्नास का पेड़ लगा रखा है हमने, अब इसमें फल तो पता नहीं कब आता है, दीदी बता रही थी कि मौसी बता रही थी हमारा 3 साल के बाद आया था, लेकिन बहुत मीठा फल आता है, 3 साल बाद ही आता है, अब हम भी 3 साल तक इंतज़ार करेंगे, लगाए तो हमने बहुत बार थे लेकिन हमें शबरी नहीं हुआ, हमने सोचा कि आ ही नहीं रहा है, बहुत काफ़ी दिनों से हम देखते गए, काफ़ी मंथ हो गए थे आ ही नहीं रहा था, तो हमने निकाल के फेंक दिया, और फिर हमें बाद में पता चला इसमें फल आता है लेट काफ़ी साल बाद, मौसी जी बता रही थी कि हमारा तो 3 इयर्स बाद आया था लेकिन खाने में बहुत टेस्टी था, तो अब देखते हैं 3 साल तक इंतज़ार करना पड़ेगा हमको इस फल खाने से, पता नहीं कितनी बार तो हम मार्केट से ही ले आएंगे। और इसकी कटिंग हो चुकी है, इसकी दुर्दशा कैसी हो गई है, और ये किस किस को पता है ये मेहंदी बोलते हैं, मैंने तो फर्स्ट ही बार सुना था, वैसे गुलमुचिया बोलते हैं लेकिन कुछ लोग इसको मेहंदी का पेड़ भी बोलते हैं, शायद इसमें कलर भी आता मेहंदी जैसा। कितना अच्छा मौसम लग रहा है, देखो गाइस अब ऊपर से देखो कोहरा कितना दिखाई दे रहा है, वो दूर दूर तक पेड़ नहीं दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हो कोहरा है, और हमारे इधर सामने दुकानें बन चुकी हैं, अब हमारा गांव गांव नहीं रहा है, बिल्कुल शहर हो चुका है, हमारे ही घर के सामने से टुकटुक में आराम से बैठ सकते हैं। गाइस मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा कि यहाँ आंगनवाड़ी स्कूल में इतना अच्छा बेंच टल गया है, आप देख सकते हो अंदर से बेंचेस कितनी प्यारी डल गई हैं अंदर। ये कितना बड़ा हो चुका है, इसके लिए भी लाते यार थोड़ा सा उधर बांधने के लिए, इसके लिए इसने मेरे कांटे चुबा दिए सर पे,
ये इतना बड़ा हो चुका है, देखिएगा इस नाखून नहीं कर पाता कैक्टस का। हल्का सा बांधना, ये देखो गाइस कोहरा देखो, आप देख सकते हो कोहरा कितना आ चुका है, बहुत ज़्यादा आ चुका है। और कितनी पूरे चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीन, बिल्कुल हरियाली ही हरियाली है चारों तरफ, आपको दिखाई देगा हरियाली ही हरियाली ऊपर से दिखा। तो गाइस सारे में कटिंग हो चुकी है, पौधों में सारे गमले चेंज करने हैं जो टूट चुके हैं। ये देखो गाइस सारी कटिंग हो चुकी है पेड़ पौधों की, और पेड़ की शिफ्ट करने वाले हैं, दीदी लगा रही हैं झाड़ू। और देखिए कोहरा बिल्कुल इधर से साफ चमक रहा है, बिल्कुल क्लीन चमक रहा है, आज कोहरा ही है, काफ़ी टाइम हो चुका है, 8:30 तो हो ही गए होंगे, ऐसा नहीं मॉर्निंग टाइम है इसलिए कोहरा है, कोहरा है ही। ज़्यादा उसको पीछे मत करो, ग्रोथ नहीं आएगी एक साइड से तब तक। बहुत सारा कूड़ा हो चुका है, मिट्टी वगैरह, और यहाँ पे हमने कटिंग कर दी है सारी पौधों की। डिजाइन है, डिजाइन आज के लेटेस्ट गमले हैं, इसे टूटा नहीं बोलते हैं, इसे डिजाइन बोलते हैं, डिजाइन। अपराजिता तो लगाया ही नहीं आपने, कितना सारा कूड़ा कवर है। ये देखो खुरपी है, होती है, और कितना सारा ये कूड़ा निकला है। अभी ऊपर ही लगा दो, सारा मिट्टी वगैरह गिराना है बार बार, अभी रख दो मार्केट तो जाएंगे तभी शिफ्ट कर देना, अभी ऊपर ही लगा दो, नीचे तो कीड़े लग जाते हैं एकदम, ऊपर रख जाओ ये पॉलीग्रो बैग में तो अच्छे से। हाँ वो गमला, हाँ गमले तो लाओगे फिर तुम शिफ्ट करोगे, फिर वो करोगे, अब तो तुम